कैसे हो सब? कैसे हो? पहले एक बार फटफट आ जाओ, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और एक अपन को जंग लड़नी है। मतलब ये समझ लो, जंग लड़नी है या तुम ऐसा ही कुछ करना है। मतलब अपन को कांड करना है अभी साथ में मिलके। अपन को टीम एफर्ट की जरूरत है, मुझे आर्मी की जरूरत है, मुझे मेरी फैमिली की जरूरत है। तो एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ ऑनलाइन, उसके बाद में सबको बताऊंगा कहानी क्या है। हेमलता कह रही है हाय, त्रिपाठी कह रही है हेलो, आई एम सावेज, हे। बहुत सारे लोग धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो महक गुप्ता, हेलो अमनदीप, अमनदीप एक्स, हाय मोनिका मेहता, हेलो रूफिदाई सिंह, और अपनी टॉप लाइव जा चुकी है ये DK455। विश्व, बहुत सारे लोग आ रहे हैं अभी लाइव धीरे धीरे करके, आ जाओ जल्दी से। DK दिवेश मेवाड़ा, हेलो दिवेश मेवाड़ा भाई, हेलो KJ, हेलो अंकुश चतुर्वेदी भाई, हेलो, अरे हर्ष सुखानी, अरे मेरी जान कैसा यार तू भाई। मैं सिलीगुड़ी आया हूँ, पता है तेरे को, आज शो है अपना सिलीगुड़ी में। और करण 0912 कह रहे अपन रैपर है भाई, क्या बात है भाई, अपन सिंगर है भाई। वेंडीज हैप्पी हाई कह रही है बाजू वाले, उससे बाजू वाले कमरे से, ये मेरे बाजू वाले कमरे में है वो। क्या रे वैंडी, तेरी तबीयत कैसी है अब है? जीना बीजी, हे जीना, हे कपकेक, मोहित गौड़, हेलो मोहित कोमल। हर्ष सुखानी कह रहे हैं वेयर आर यू लॉस्ट ब्रो। मैं बस अभी अभी तो सिलीगुड़ी हूँ मैं, और अब कल मैं वापस मुंबई आ रहा हूँ, फिर अपन मिलते हैं भाई। और मेरे को आपसे बहुत सारी बातें करनी है यार। और जीतू भाई को भी मैंने सॉरी कहा था कि उस टाइम मैं बात नहीं कर पाया था। अरे रोहित ऑन वेब भी ऑनलाइन है, मैं भी ऑनलाइन हूँ, तू भी ऑनलाइन है, मैं भी बड़ा फाइन हूँ, तू जो गर फाइन है। तो रोहित भाई आप भी अभी, यार क्या बात है यार, अपने बहुत सारे जिगरी दोस्त भी यहाँ पर है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी है जिनका फर्स्ट टाइम आ रहा है अपनी लाइव चैट में कमेंट। तो ब्रांडेड कमीना YD इज हियर, वोगिश बिलीफ, मीट एंड ग्रीट। यार यार अभी तो मीट एंड ग्रीट का थोड़ा वो है, लेकिन अब ओए दीपक कालरावी ऑनलाइन है, तो मेरी जाने वालों, अब मेरे सारे दोस्त लोग तुम आ ही चुके हो यार। तो अब जो एक बात मुझे तुम सबको बतानी थी ना, जो मतलब अपन को साथ में मिलकर करनी है एकदम फैमिली की तरह, तो बात कुछ ऐसी है कि तुमको याद है रॉकस्टार के टाइम पर तुमने कैसे वोट किए थे? धड़ धड़ रही है, मतलब पूरा टीम एफर्ट के साथ में वोट किए थे ना। अपन को वैसा ही, मेरे जाने वालों, अपन को वैसा ही एफर्ट करना है कि अपनी, अपना दिल का टुकड़ा, अपना भाई है दिव्यांश, वो और है ना उसकी बहुत सी दोस्त है राधा, इन दोनों की जोड़ी आई है दिल है हिंदुस्तानी करके शो में। तुमने देखा है क्या दिल है हिंदुस्तानी शो? पहले तो ये बताओ, दिल है हिंदुस्तानी 2 फॉलो कर रहे हो क्या? हाँ रोहित अग्रवाल कह रहे हैं हाँ। लेखक महोदय खान ने कह रही है वाओ योर वॉइस माशाल्लाह एंड योर यूनिक लुक सुपर्ब। उन्होंने भाई भी कहा था पर उन्होंने स्किप कर दिया कि मैं नहीं चाहता कोई भी लड़की मुझे भाई कहे सिवाय मेरी रूपल के और नंदू के। और गोकुल आदित्य कह रहे हैं हेलो, पहले पहले मुझे बताओ। दिव्या स्वराज डीजे कह रही है हाँ देखा है बिल्कुल। केशव हिमांशी कह रही है यस देखा है। DK दिव्येश मेवाड़ा कह रहे हैं यस देखा है। KJ कह रहे हैं हाँ। और दीपक कालरा कह रहे हैं फुल पावर कलेश। विन्नी विल्ली ने भी देखा है। तो मेरी जाने मनो अपन को क्या करना है, अपन को ना दिव्यांश और राधा को वोट करना है। और वोटिंग लाइंस क्योंकि 8 बजे क्लोज हो जाएंगी, मतलब आज अभी मंडे स्टार्ट हो चुका है और आज सुबह 8 बजे क्लोज हो जाएंगी, तो तुमको अभी के अभी वोट करना है उनको। मतलब अभी अपने पास में टाइम है वोट करने का, और जितने भी तुम्हारे दोस्त लोग हैं ना उन सबसे भी वोट करवाओ, क्योंकि बहुत जरूरी है। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होता कि क्यों वोट करो, तो तुम एक बार भले ही जाकर देख लो पूरे शो में, अपने अपने जो लोग हैं ना सबसे बेस्ट है, सबसे शानदार है, सबसे अलग है, सबसे सब सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपने तो यार दिव्यांश और राधा सबसे पसंदीदा है, अपने फेवरेट है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सबसे कि यार अपन सब मिलकर उनको वोट करें। तो जो वोटिंग नंबर है ना वो है 1800 1800 है ना, 1800 8439 701। तो मेरे को नहीं पता, तुम भले ही चाहे मैं अभी लाइव चैट पर हूं, तुम अभी के अभी मिस कॉल कर कर आओ और फिर वापस से लाइव चैट कंटिन्यू करो। तो अभी के अभी जितने भी लोग देख रहे हैं वो अभी के अभी पहले वोट कर कर आओ और फिर लाइव चैट ज्वाइन करके मुझे बताओ कि तुमने वोट कर दिया। क्या नंबर है वापस से बता रहा हूं, 1800 8439 701। मिस कॉल करनी है, पैसे भी नहीं लगेंगे तुम्हारे,
और अगर पैसे लगाने ही हैं तो पैसे लगाकर वो नेट का खर्चा लगाकर हॉटस्टार प्रीमियम डाउनलोड करके देख लो अपने दिव्यांश और राधा की परफॉर्मेंस। लेकिन अपन को वोट करना है और ये मतलब मिलकर ही होगा। मैंने तो मेरा वोट कर दिया है और मैं चाहता हूँ अब तुम सब भी मतलब लग जाओ भाइयों, और जरूरी है यार, अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारी परफॉर्म करते हैं, बहुत शानदार आर्टिस्ट हैं वो, और अपने लोग हैं तो उनको तो जिताना ही है अपन को। तो भले ही तुमको अभी ऑफलाइन जाना पड़े एक बार को, तो मिस कॉल करो और मिस कॉल करके बताओ किस किस ने कर दिया। तो डीजे साक्षी कह रहे हैं कर दिया है, हर नंबर से कर दिया, क्या बात है। तो उनका वोटिंग नंबर है 1800। अरे वाह, विद्या मुलजकर ने तो डाल भी दिया है वोटिंग नंबर 1800 8439 701, परफेक्ट है ना। कह रहे हैं बीट बॉक्सिंग बेस्ट करता है, अरे शानदार करता है वो, और वो इतनी शानदार करता है ना, वो मतलब वो मेहनती लड़का है वो, उसने ठान रखी है, और देखना वो पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट बीट बॉक्सर बनेगा। आई एम डीजे लवली कह रहे क्या करना है मुझे बताओ। तो आई एम डीजे लवली, अपन सब लोग मिलके अपन वोट कर रहे हैं अपने अपने भाइयों को, अपने लोगों को। उनका नाम है दिव्यांश और राधा, और वो दिल हिंदुस्तानी 2 में अभी टॉप 8 में तो आ चुके हैं। अपन उनको जिताना है। मुझे नहीं पता कैसे कैसे कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, किसी का फोन छीन रहे हो, खुद के फोन से तो कर ही रहे हो। सब लोगों को मैसेज कर दो, फॉरवर्ड कर दो, लेकिन सबसे वोट कराओ। वो कराने से पहले अभी वोट करो जाकर, भले ही ऑफलाइन जाओ लाइव से, लेकिन करने के बाद में मुझे लाइव चैट पर आकर बोलो कि मोहित भाई हमने मिस कॉल दे दी है, 2 सेकंड का काम था। नंबर है 1800 8439 701, सिंपल है ना। तो अभी एक बार फटफट से वोट कर, मुझे बताओ किस किसने वोट कर दिया है। रोहित अग्रवाल कह रहे हैं ओके डन। आई एम सैवेज कह रहे हैं भाई कर दिया, 4 नंबर से किया है, क्या बात है भाई, तू शानदार आदमी है यार। मिस्टर आईफोनर कह रहे डन हो गया है, वाह ये हुई ना बात। भाइयों जंग लड़नी है अपन को यार, जिताना है यार, बस अपना भाई है यार अपन। ज्योति केसवानी कह के, ज्योतिष केरवानी कह रही है राखी कैसी रही, बहुत शानदार रही यार। मेरी तो क्या बहन मेरी दूर है मुझसे, तो उसने राखी कल कोरियर की थी और मैंने फिर उसे उसके लिए पोयम लिखी थी, ऐसी फील आई यार, उसकी याद आ रही थी मेरे को बहुत ज्यादा। अभिषेक पटेल कह रहे 6 नंबर से किया, थैंक यू भाई। गिरीश कुमार कह रहे डन। तो अभी के अभी सब करके भेजो मेरे को, जिस जिसने भी कर दिया है ना वोट, 1800 8439 701। मुझे तो याद भी हो गया अभी तक, तो फिर भी मैं इससे पढ़कर बोल रहा था कि मेरी डायरी है जिसमें मैं गाने लिखता हूँ और मैं डूडल करता हूँ इस पे, तो इसमें मैंने नंबर लिखा था ताकि मैं भूल नहीं जाऊं। 1800 8439 701 पे वोट करना है, और वोट करते ही मुझे बताओ, वोट क्या बस मिस कॉल करनी है, मिस कॉल करते मुझे बताओ किस किसने मिस कॉल कर दिया है। मिस अग्रवाल कह रही है, मिस अग्रवाल कह रही है उन्होंने मिस कॉल कर दिया, तो बहुत शानदार सी बात है मिस मिस अग्रवाल, थैंक यू मिस कॉल करने के लिए। मानस राठौर कह रहे हैं 4 नंबर से किया है, यस जितने नंबर से कर सकते हो ना कर दो। तुम्हारे मॉम डैड सो रहे हो, तुम्हारे भाई बहन सो रहे हो, जग रहे हो, उनका फोन छीन के मिस कॉल करो, लेकिन करना है मिस कॉल। अभिषेक पटेल कह रहे हैं भाई अपना नंबर दीजिए, भाई बिल्कुल 1800 8439 701 मेरा नंबर है, यही मान लो और इस पे कॉल करो, देखो फिर क्या होता है। धर्मेंद्र संदानी कह रहे डन, क्या बात है। स्वीटी पूनम कह रहे भाई 7 नंबर से कर दिया, शुक्रिया पूनम। जय सोनी और हर्ष हर्षा कह रहे पोएम सुना दो जो बहन के लिए लिखा, सुनाऊं सुनाऊंगा, पर पहले तुम सबके सब वोट कर कर मुझे मैसेज करो अभी के अभी कि हमने वोट कर दिया, भले ही लाइव चैट से जाना पड़े दूर, लेकिन जाओ, 2 सेकंड का काम है, मिस कॉल करो 1800 8439 701 पे और फिर मुझे बताओ कि तुमने कर दिया। रोबो दीपक कह रहा है भाई हॉस्टल में रहता हूँ, 8 नंबर से कर दिया, क्या बात है छोरे। भाई मेरे को मेरे एमिटी के दिन याद आ गए, मैं भी जब रॉस्टार में था ना, तो मेरे जितने ही दोस्त लोग थे जूनियर थे ना, वो हॉस्टलों में बैठ बैठ के वोट करते थे। ये दिव्यांश ने खुद के दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अपना भाई दिव्यांश, इसने अपनी यूनिवर्सिटी से हर किसी बंदे से करवाए वोट भाई, अपनी डार्लिंग है ये। और मेरे को बहुत खुशी होती है यार कि मतलब इसने फाइनली वो कर रहा है जो हमेशा से चाहता था करना। बहुत मेहनती है ये दिव्यांश, तुम मतलब कभी मिलोगे ना, कभी इसको सुनोगे तब तुम जानोगे, बहुत प्यारा आदमी है। तो जुर्श 1998 कह रहे मैंने भी कर दिया ब्रो, ये आरपी पांडे कह रहे पोएम सुना दो। सर पोएम जरूर सुनाऊंगा, पर एक बार तुम सबका मेरे को डन आ जाए कि हाँ वोट कर दिया, फिर बस अपनी अपनी कहानी चालू। लेखक महोदय कह रहे मैंने हॉस्टल मैं भी हॉस्टल में और 12 लोगों से करवा दिया, शानदार ब्रो शानदार, वाह यार। अननोन बॉय कह रहे भाई दर्शन मेरा फेवरेट है, भाई मेरा भी फेवरेट है।
रॉ स्टार में मेरे दो लोग फेवरेट थे, एक तो दर्शन और एक ऋतुराज। और बहुत प्यारा आदमी यार दर्शन, हद प्यारा आदमी हो। तुम जितना उसको प्यार उसके गानों से करते हो ना, उससे ज्यादा उसको तब करोगे जब तुम उसको मिलोगे और जानोगे। और सेम विद ऋतुराज। और डीजे साक्षी कह रहे हाय फ्रॉम दर्शन एयर, हेलो डीजे साक्षी, डीजेड साक्षी। आकाश कह रहे मेरा नाम ले लीजिए, बिल्कुल ले लिया। आकाश आपने वोट किया क्या? जो भी वोट करेगा उसका अपन, मतलब ऐसा लालच नहीं दे रहा हूँ यार, लेकिन भाई अपने भाई को वोट करना यार मुझे नहीं पता। अब बस अब मेरे कहने से कर दो, नहीं तो उनका परफॉर्मेंस देखकर कर दो, लेकिन करना है वोट अपन को, करना है वोट। बस 1800 1800 1800 1800 देखने लो। अभी मैं बातें करता करता भूल गया मैंने क्या लिया था। 1800 843 9701 पे मिस कॉल करना है। स्मृति कह रहे कर दिया कर दिया। ए आकाश कह रहे हे आकाश बस बोल दीजिए। बिल्कुल बोल दिया हे आकाश। विनी कह रहे दर्शन से वैसे भी बहुत प्यार है, आपने जो कहा था उस नंबर पे कर दिया वोट। 1800 843 9701 परफेक्ट, थैंक यू। दर्श भूमि कह रहे हैं 1800 843 9701 यस दैट्स द नंबर, इस पे मिस कॉल करो। नानू कह रहे हैं प्लीज हमारा नाम लो ना। नानू बिल्कुल आपका नाम लेंगे, आपने वोट किया क्या? आप पहले वोट कर कर आओ, आप मेरी बात मानो मैं आपकी बात मानूंगा, ठीक है? तो है ना, अब मोस्टली इनसेनेश कह रहे हैं डन, क्या बात है। आई एम वाई जी कह रहे हैं कर दिया सर वोट। पेनू गुंदा सयारी का कह रहे हैं डन। शंट आत्मा कह रहे हैं राधन दिव्यांश इज माई फेवरेट टू। वाह फिर तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, बताओ वोट करने के लिए। लेकिन एक जो आपको वो बात बोलने की, आपको सब दोस्तों से भी करवाना है, ठीक है? शंट आत्मा सबसे करवाना है भाई वोट। और सत्यम तिवारी कह रहे हैं यस सर इट्स डन यस। रोहित अग्रवाल कह रहे हैं सर अगर जब आप दर्शन रावल से मिलो तो बोलना कि मैं उसका बिगेस्ट फैन हूँ। मेरी जाना अगर मेरे को याद रहेगा तो पक्का बोलूंगा यार, क्योंकि मेरे को ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, शायद हो सकता है मैं भूल जाऊं, पर है ना तूने इतनी प्यार से बोला ना यार, पक्का है मैं कोशिश करूंगा जब भी उससे मिलूं ना तेरी बात बताऊंगा, ठीक है? जुर्श कह रहे भाई मैंने पापा के नंबर से भी कर दिया है। वाह 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 डार्लिंगो, अब तुम बोलो। देखो अब तुमने मेरी बात मान ली, अब तुम जो कहोगे वो अपन करेंगे। अब तुम बताओ तुम्हें पोएम सुननी है, तुम्हें गाना सुनना है, क्या हुकुम मेरे आका, मतलब ऐसा सीन है बताओ। धन्या कह रहे हैं यार गाना तो सुना दे, सुना दो। अच्छा यार गाना सुना दो, कौन सा गाना सुनोगे बताओ। अरे तुमको पता है मैं सिलीगुड़ी आया हूँ, मैं मुंबई से लाइव चैट नहीं कर रहा, मैं सिलीगुड़ी से कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं एक कॉम्पिटिशन में आया था, और है ना वहां पे सिंगिंग कॉम्पिटिशन था, डांस कॉम्पिटिशन था, मॉडलिंग कॉम्पिटिशन था। तो मैं तो क्या सिंगिंग वाला में मैंने जज किया था, और बहुत शानदार गाया लोगों ने यार, बहुत प्यारे लोग थे। और बहुत प्यारे इंसान से मिला जिसका नाम है वीर शेरपा भाई, और है ना वीर शेरपा भाई बहुत शानदार आदमी है, वो डांस प्लस 3 के विनर भी हैं, और उन्होंने बहुत शानदार डांस किया है यार। बहुत ही प्यारे लोग मिले मुझे यहाँ पे आज, और दिन बन गया आज तो मेरा यार सिलीगुड़ी आना, मतलब सफल हो गया। बहुत ही मजा आया। उन्होंने भी गाने गाए, जितने भी सिंगिंग कंटेस्टेंट थे मैंने भी उनके साथ गाना गाए। मैंने उनके साथ में फिर मुझे दिल से पुकार तू गाया, कपकेक गाया, एक अपने एरिक भाई थे जो सेकंड आए सिंगिंग कंपटीशन में, उन्होंने मेरे लिए गिटार भी बजाया। तो बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा यार, और मजा आ गया आज तो। अब तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या करना है बताओ। तुमको गाना सुना है, तुमको पोएम सुननी है, जो तुम कहोगे अपन करेगा। पर वोट करना है अपन को, देखो ऐसा हर संडे को करना है, हर सैटरडे संडे को, छूटना नहीं चाहिए, जितवाना है यार अपन। वैसे भी वो जीतेंगे, देखो तुम और मैं वोट करें ना करें वो वैसे भी जीतेंगे, लेकिन अपन को फिर भी करना है, अपन को फिर भी करना, अपना फर्ज बनता है। गौरव कह रहे पहला नशा गा दो। चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया के साथी प्यार का तुझे चुन लिया मैंने सुन लिया पहला नशा पहला खुमार नया प्यार है नया इंतजार कर लूं मैं क्या अपना हाल ऐ दिले बेकरार मेरे
दिले बेकरार तू ही बता। ततम पा। अभी मेरा गला ना सर में थक रहा है थोड़ा, क्यों पता नहीं यार, बस थक रहा है। लेकिन हाँ ये जी आपके लिए, आप सबके लिए। और बताओ। अरे मम्मी भी ऑनलाइन आ गई। कुमुद गौड़ माँ, माँ आज याद आई आपकी। और आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप पे फोटो भी ना, सॉरी मेरे को क्या नींद सी भी आ रही है, अभी टाइम भी हो गया ना। बहुत ही शानदार पिक थी माँ आपकी और पापा की। और माँ बताओ, आपको कोई गाना सुनना हो तो बताओ यार, बताओ। आप भी ऑनलाइन हो, सो जाओ माँ। गलत टाइम है, आप ऑनलाइन नहीं होना चाहिए उस टाइम। मेरा तो फिर भी अभी शो खत्म हुआ था, मैं अभी आया होटल, मैं तो फिर भी जग सकता हूँ। आपको नहीं जगना चाहिए। मम्मी ने यो-यो का है, योलो का है। योलो का मतलब होता है यू ओनली लिव वंस। तो ये क्या था माँ, ये यो-यो था या योलो का था? योलो। तो माँ भी ऑनलाइन है मेरी, क्या बात है बताओ। लाइव चैट पे विनी कह रहे काश आप 11 अक्टूबर को भी ऑनलाइन आओ, आई होप बर्थडे है ना अपना। अरे यार काश। मोहित सिंह कह रहे हैं भाई फिर मुझे से पुकार तो सुना दो। फिर मुझे दिल से पुकार तू, कह दे मेरा एक बार तू, तेरे जैसा मैं बन जाऊंगा, हौले हौले थोड़ा सा सुधार तू। और बताओ, पोयम सुनाओ तुमको जो मैंने मेरी बहन के लिए लिखी थी आज राखी पे, तो वो सुनाता हूँ तुमको, है ना। तो अब हुआ क्या, लास्ट ईयर भी ना उसने मेरे को राखी भेजी थी, हम वो राखी बांधी नहीं थी, और ये दूसरा साल ही हमारा ऐसा। और आज भी ऐसा हुआ कि इस साल भी उसने राखी कोरियर करी थी मुझे कल, तो बांधी नहीं, मतलब हम मिले नहीं और बांधी नहीं जैसा हर साल बांधते थे। तो ठीक है, पिछले साल तो चल गया यार, इस साल भी जब ऐसा हुआ ना तो थोड़ा सा हल्का सा कुछ फील हुआ। और मेरे मन में एक लाइन आई कि इस बार भी तू नहीं तेरी राखी आई है, ऐसा मतलब दिल से लाइन लिखी, लाइन आई मतलब। फिर क्या हुआ, मैं ना सिलीगुड़ी आना था आज शो के लिए, तो फ्लाइट थी, फ्लाइट में उड़ रहे थे हम, और मैंने मेरी यही डायरी, यही वाली यही डायरी, और इसी डायरी में मैंने वही लिखा था, और ये डायरी उसने गिफ्ट करी है जिसके लिए मैंने वही लिखा था, आन्या ने गिफ्ट करी थी मुझे ये। तो अभी तो खैर आन्या वही है कहीं अपनी दुनिया में मस्त, अपन अपनी दुनिया में मस्त। लेकिन हाँ अपन ने उसके लिए गाना लिखा है, और इसी डायरी में मैंने लिखा मेरी बहन के लिए पोयम जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो पोयम ऐसी है कि समझना मतलब फील कैसी, कि जब भाई बहन दूर होते हैं ना और बहन नहीं आती, बहन की राखी आती है सिर्फ, तो क्या फील होता है। तो मैं तो मेरा जो फील था मैं आपको वो सुना रहा हूँ कि फिर से तू नहीं सिर्फ राखी आई है, इस बार भी तेरी वाली किसी और से बनवाई है। वो नहीं है तो किसी और से बनवानी पड़ेगी ना उसकी राखी। कि फिर से तू नहीं सिर्फ राखी आई है, इस बार भी तेरी वाली किसी और से बनवाई है। साला पता ही नहीं चला कब हम इतने बड़े हो गए, एक घर से दो शहर हो गए। ये लाइन ना बड़ी मतलब दिल से लिखी कि पता ही नहीं चला कब हम इतने बड़े हो गए कि एक घर से दो शहर हो गए। पहले एक घर में रहते थे, अब दो शहरों, दो अलग अलग शहरों में रहते हैं। तब पापा से पैसे लेकर कहते थोड़ा तू रख थोड़ा दे मुझे। वाकई में मैं ऐसा करता था, मतलब पापा उसके लिए पैसे देते थे, मान लो 100 रुपए दिए कि राखी पर रूपल को 100 रुपए दे, तो मैं लड़ता था कि मैं और मेरा छोटा भाई, पता नहीं क्यों हम ऐसा करते थे, थोड़ा लालची थे कि यार भाइयों के लिए राखी नहीं आती है, बहनों के लिए आती है राखी, बहनों को मिलता है सब चीजें, हम भाइयों के लिए कुछ नहीं था। तो हम बचपन से लड़ते थे कि वाह रूपल को ही क्यों पैसे मिल रहे, हमको ही पैसे दो। तो पापा मान लो 100 रुपए देते थे, तो मैं ऐसे कहता था रूपल यार तू इतना कमा रही है राखी पर, सब तेरे को पैसे दे रहे, हमको भी थोड़े दे दे। और वो दे भी देती थी 10-20 रुपए ऐसे भिखारियों की तरह, हमको ले ले भिखारी। तो किया कि तब पापा से पैसे लेके कहते थोड़ा तू रख
थोड़ा दे मुझे, अब कॉल पे पूछते हैं बता क्या गिफ्ट चाहिए तुझे। मैंने कल ही कॉल पे पूछा था उससे, बता क्या गिफ्ट चाहिए तुझे। तो मैं दे तो रहा हूं पर ये झूठी माफी है कि मैं दे तो रहा हूं पर ये झूठी माफी है कि इस बार भी तू नहीं सिर्फ तेरी राखी आई है। कि मतलब यार, मतलब ऐसा दिल पे लगा कि यार बताओ कहाँ हम साले जब छोटे थे, या 2 साल पहले, मतलब हम साथ में राखी मनाते थे यार। अब वो हो गया आर्किटेक्ट, वो चली गई ऑरोविल पॉन्डिचेरी, अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी है, तो ना वो आ सकती है ना मैं जा सकता हूँ ऐसा। तो ऐसा लिखा था मैंने यार उसके लिए। और बहुत डार्लिंग है मेरी, वो भी बहुत डार्लिंग है, मेरी बहुत प्यारी बहन है नंदू, मेरे कॉलेज की क्लासमेट है लेकिन बहन है वो मेरी, जाने वन है नंदू बावली। उसके लिए मैंने लिखा था राखी पे, कुछ अभी नहीं पिछली राखी पे और उससे पिछली राखी पे, इन दोनों के लिए लिखता रहता हूँ मैं, कुछ ऐसी फील आती है। तो प्यारे लोग हैं यार अपनी लाइफ के, बहुत प्यारे लोग अपनी लाइफ में, मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ खुद को, मेरी लाइफ में इतने प्यारे लोग दिए ना भगवान जी ने, मतलब बहुत प्यारे यहाँ यहाँ दिल पे। तो और बताओ, अब तुमको पोएम भी सुना दी मैंने, अब मैंने तुमको गाना भी सुना दिया, तुमने वोट भी कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू यार। और बताओ क्या करूँ, क्या क्या पेश किया जाए। मिस्टर अंशु कह रहे हैं, अरे यार मिस्टर अंशु ने एक बात कही है लेकिन बड़े मतलब थोड़े से रूड वे से कही है, तो मैं पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ। तुम प्यार से कहो ना, अपन प्यार वाले आदमी है यार, प्यार से कहोगे ना सब मानते हैं अपन। मैं ना वो गाना मेरे को बड़ी लाइफ से रिलेट करता है कि हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, और जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। तो यही फैक्ट लगता है मुझे मेरी बात का, कि मतलब अपनी लाइफ का, कि ऐसे यार अपन जो भी प्यार से मिले ना अपन उसके हो लेते हैं, यही है। और जो है नाइमिशा सोलंगी कह रहे प्लीज मोहित भाई कपकेक सॉन्ग, ठीक है गाते हैं। कि रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब तू, मखमली सी रेशमी सी आवाज तू, जिसको सुन के तेरी नींद को आराम हो, जैसे महके तेरे पास में गुलाब हो, कहती जिंदगी में आया कैसा क्रेक है, कह ले कुछ भी तू मेरा कपकेक है ना। कह रही लाखों निगाह में कि लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में, सनम हसीन चफा, और होठों में गुलाब है आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। अरे लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवान, और होठों में गुलाब है आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। वाह, तो अब मेरी जान मनो, अब ना अब मेरा टाइम है वाकई में जाने का, अब मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा, सोऊंगा, कल सुबह फ्लाइट पकड़नी है, फिर से अपन मुंबई जा रहे हैं वापस, तो सिलीगुड़ी आके मजा आ गया। और थैंक यू सो मच आप लाइव पे आए, और थैंक यू सो मच जिन भी लोगों ने वोट किया राधा और दिव्यांश को, जिन लोगों ने नहीं किया वो प्लीज वोट करना, 1800-8439-701 पे आपको सिर्फ मिस कॉल करना है। और अगर मेरे कहने से नहीं करना चाहते हो तो उनका परफॉर्मेंस देखो, उनका जरूर आपको परफॉर्मेंस पसंद आएगा, लेकिन उनका परफॉर्मेंस जरूर देखना और उनको वोट करो ना करो, उनका परफॉर्मेंस जरूर देखना, तुमको फिर पक्का वोट करोगे करोगे उनको। और थैंक यू सो मच यार आप सब लाइव आए और आप सब ने अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और बहुत प्यार करता हूँ मैं आप सबसे यार, क्या ही बताऊँ मैं, करता हूँ यार, अब कहने की बात भी नहीं है, महसूस करने की बात है, लेकिन
मानो यार, मैं कह रहा हूँ तो मतलब कह रहा हूँ, मतलब मान लो यार, क्या ही बोल रहा हूँ मैं। आई लव यू। चलो अब ध्यान रखो और गुड नाइट। ये तू मेरा कपकेक है। चलो बाय।